टाटा सफारी 7 सीटर अब अपडेट हो गई है। अपडेट होके क्या फीचर्स आए हैं जो इसको दूसरों से अलग बनाते हैं, यही बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नई आने वाली सफारी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई आपको नहीं बताने वाला है। पहले देखें ये चेंजेस क्या है। चेंजेस इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कोई बड़ा चेंज नोटिस में नहीं आएगा, लेकिन चेंज है यहाँ। यहाँ आपको मिलता है रडार जो बताता है इस कार को एडास लेवल के साथ। और केवल यही नहीं चेंज है, आपको दूसरा चेंज जो मिलता है वह मिलता है ऊपर कैमरे के साथ में, जो इसको दूसरों से अलग बनाता है। एक चेंज जो नोटिस कर पाएंगे फ्रंट में वो है इसकी ये रेड स्ट्राइक लाइन जो इसे दूसरों से अलग बना रही है। बाकी आपको कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं मिलेगा, ये पहले भी बल्कियर और बेहतरीन थी, आज भी है। साइड प्रोफाइल की बात करें, जहां पर आप कुछ नोटिस करेंगे वो नोटिस करेंगे इसके डार्क एडिशन के साथ आने वाले ये नए अलॉय व्हील्स, बहुत शानदार, बहुत गुड लुकिंग, एक नज़र में आपको अपनी तरफ खींचते हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। क्लैडिंग व्हील आर्च के साथ में है, यहाँ पर आपको डार्क की बैजिंग मिलती है, बड़े से ORVM जिस पर इंडिकेटर्स मौजूद है और नीचे अराउंड व्यू कैमरा। और बात की जाए यहाँ पर स्कर्टिंग मिल जाती है जिससे कि इसका लुक काफ़ी बेहतर होगा और साथ ही यह काफ़ी शानदार भी दिखती है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है और इसको दूसरों से अलग बनाता है। यहाँ पर बड़ा सा ग्लास एरिया और सफारी की सिग्नेचर स्टाइल आपको देखने को मिल जाती है। रेयर प्रोफाइल पर आपका ध्यान जाएगा, कोई खास ऐसा यूनिक चीज नहीं, ये स्पॉइलर बदल गया है जिसकी वजह से इसका लुक काफी बदला होने आता है। डार्क थीम है यहाँ पर भी, आपको यहाँ भी सफारी डार्क बैजिंग के साथ में है। पीछे सेंसर्स मिलते हैं और इसका कलर थोड़ा सा बदला हुआ है, काफी डार्क की तरफ है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये वही अभी भी दे रखी गई है लाइट है, यानी जो भी लुक का चेंज है वह है इसके भीतर नहीं है, वह है इसके बाहर के हिस्से में, लेकिन भीतर जो बदला है वह बिल्कुल अलग है। आइए आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर की बात की जाए तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो ये कि सामने दी हुई स्क्रीन बिल्कुल बदल गई है। यहाँ पर बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया है, गोल्डन डार्क थीम के साथ मैच करता हुआ है और यह गोल्ड कलर इस पर बहुत शानदार दिख रहा है। जहां पर आपको इसके पार्किंग के ऑप्शन से दिख रहे हैं, चूंकि यह ऑटोमेटिक है इसलिए पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको डिफरेंट मोड और भी मिल जाते हैं जो इसको दूसरों से अलग बनाते हैं, जैसे कि अब वेट मोड आ गया है, वेट मोड के बाद फिर आपको रफ रोड मोड आ गया है और आपको नॉर्मल मोड आ गया है। बस ये सारे मोड्स आपको डिफरेंट कंडीशंस में बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छा है, बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये थोड़ा सा फैंसी है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन जो बेटर हो चुका है यह इंफोटेनमेंट सिस्टम, यह 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अब काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है। इसका लुक अच्छा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, मैं चाहता है इस तरह से ड्राइवर की तरफ होता तो कहीं ज़्यादा बेटर फील भी आता। बहुत सारे फंक्शंस इसके साथ दे रखे गए हैं, जैसे AQI के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस दे रखे हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी साथ में मौजूद है और इसमें आपको कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं, वॉइस कमांड वाले फीचर्स भी आपको इसके साथ दे दिए गए हैं। नीचे आपको रेगुलर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर अब वायरलेस चार्जर भी जुड़ गया है। इन फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया जो सामने डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है, क्योंकि टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स है, हुंडई सोस गियरबॉक्स से बेहतरीन परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में यहाँ मिल जाता है। यहाँ भी थोड़ी जगह है, नीचे भी थोड़ी सी जगह रखी गई है। ये फिनिश अब बदली हुई आपको नजर आ रही होगी और रियली काफी गुड लुकिंग लग रही है। यहाँ पर डार्क थीम के साथ काफी कुछ मैनेज कर रही है ये, लेकिन आपको एक और चीज बदली है, वो ये पैनल है। यहाँ डार्क थीम प्रॉपर नजर आती है, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको दे रखा गया है और आपको बड़ी चीज नजर आएगी वो ये कि यहीं से आप पीछे बैठा व्यक्ति भी इसको कंट्रोल कर सकता है, आगे की तरफ सीट को फॉरवर्ड कर सकता है, पीछे की तरफ फॉरवर्ड कर सकता है, जिससे कि उसे जिसे कहा जाता था बॉस कंट्रोल, वो फीचर यहाँ पर मिल जाता है। और मेरे हिसाब से पीछे बैठे व्यक्ति के लिए यह काफी शानदार अनुभव रहेगा उस कंडीशन में। इसके साथ एडास के फीचर्स दे दिए गए हैं। कंपनी ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि वो एडास लेवल 2 है या उससे थोड़ा नीचे है या थोड़ा और भी कुछ ऐसे फीचर्स जुड़ गए हैं जो उसे 2 से ऊपर भी ले जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं दी गई है। इस कार के लॉन्च होने के बारे में अगर बात की जाए तो अभी लॉन्च होने में काफ़ी वक्त है, यानी हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद जब फेस्टिवल सीजन आएगा, यानी दिवाली नवरात्रि वाला,
उस समय इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और तभी हमें इसकी प्राइसिंग का भी आइडिया लगेगा कि इसकी प्राइसिंग कितनी बढ़ चुकी है। काल में बड़े कोई मेजर चेंज नहीं है, मुझे ये कलर सीटिंग का बहुत अच्छा लगा क्योंकि डार्क थीम में जो पहले कलर था वह थोड़ा अलग था, ये बहुत शानदार कलर है और ये काफी अप मार्केट भी फील कराता है, जो मैं रेगुलर अपने शब्दों में कहता हूँ कि जब आपको कोई गाड़ी अपने लेवल से ऊपर के फीचर्स प्रोवाइड करे, अपने लेवल से ऊपर की क्वालिटी प्रोवाइड करे, तो उसे अप मार्केट क्वालिटी कहते हैं, अपने सेगमेंट में बेटर। ये कलर रियली उनमें से एक है। और यहाँ पर फीचर्स की बात करें, जो मुझे चेंज सबसे बड़े नोटिसेबल है, एक इंस्ट्रूमेंट पैनल ये बिल्कुल बदल गया है, बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत जरूरत थी इसकी, बदल दिया टाटा ने, थैंक यू, मैंने पिछली बार बहुत क्रिटिसाइज किया था। दूसरी बड़ी चीजों में यह बॉस कंट्रोल बहुत शानदार चीज है, वायरलेस चार्जिंग साथ में आ गया है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑलरेडी इसमें आती ही हैं, पहले भी शामिल हो चुकी थी, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब एडास वाले फंक्शंस ने भी इसको बिल्कुल यूनिक बनाया है दूसरों के मुकाबले। मेरे हिसाब से नए अलॉय व्हील्स, एडास फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट पैनल और ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन सब ने मिलके इस कार को अब दूसरों से बेटर साबित किया है। लॉन्च करने की बात आई तो मैंने आपको बता दिया कि यह दिवाली से पहले लॉन्च कर दी जाएगी, मगर प्राइसिंग की बात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसकी प्राइसिंग अब 26 लाख रुपीस तक जा सकती है एक्स शोरूम में, क्योंकि फीचर्स बहुत सारे जुड़ गए हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी है क्योंकि प्राइस तय करना काम टाटा का है, मैंने सिर्फ एक आपको अनुमान दे दिया कि अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितने पैसे आपको तैयार रखने होंगे। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और मुझे मालूम है जब टाटा की कोई गाड़ी होती है तो उसे शेयर करना बनता है, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में पहली बार एडास आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए, YouTube पे देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।